हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेन्नई ब्लॉगर चित्रा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढोकला रेसिपी विदाउट इनो। मैंने एक कप बेसन डाला है, उसके बाद आधा कप रवा, नमक, उसके बाद मैं डालूँगी उसमें थोड़ा सा शक्कर और इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अब मैंने इसमें डाला है 1/4 कप दही, और दही डालने के बाद मैं इसको फिर से मिला लिया। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से मिला रही हूँ, और मिलाते समय आप ये भी ध्यान रखिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और ये ज़्यादा पोरिंग कंसिस्टेंसी ना हो जाए, इसलिए मैं एक ही बार पूरा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, पानी में थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिला रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिए ताकि सारे लम्स निकल जाए। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए और फिर इसको फेंट लिया है। इसके बाद मैं इसको एक 10 मिनट्स रेस्टिंग के लिए रख लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने रवा डाला है तो शायद हो सकता है कि वो पानी ढक गया और पानी सोख ले। तो 10 मिनट हो गए हैं, मैंने ओपन करके देखा तो ये बैटर थोड़ा थिक हो गया था, इसलिए मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाला और फिर इसको अच्छी तरीके से मिला लिया और फेंट लिया। इसको मैंने कंटिन्यूसली फेंटा है, और अब मैं इसमें डालूंगी एक पाउडर। मैंने इनो यूज़ नहीं किया है इसलिए मैंने ये पाउडर बनाया है। इसमें है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड। ये 1:2 कंसिस्टेंसी में है, और इसको डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया ताकि बेकिंग सोडा जो है और बेकिंग पाउडर अपना रिएक्शन करना स्टार्ट कर ले। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। इसको इसलिए मैं अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ ताकि ये लाइट वेट और थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये लाइट वेट होना शुरू हो गया है और फ्लफ़ी भी हो रहा है। इसके ऊपर जो है बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एरिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो एरिएशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी बैटर है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, डेंस नहीं रहता है। तो मैंने एक केक टिन ले लिया है जिसको मैंने ग्रीस करके रख दिया था। अब मैं ये जो मिक्सर है उसमें पोर कर लूँगी। तो मैंने मिक्सर पोर कर लिया है और मैं इसको थोड़ा टैप डैप कर रही हूँ, क्योंकि जो भी एयर होगा अंदर वो निकल जाए। मैंने ऑलरेडी स्टीमर चढ़ा दिया था पानी रख करके, और पानी बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल होने के बाद ही मैं उसमें रखूँगी। नहीं तो क्या होगा कि पानी बॉईल नहीं होगा, बेकिंग पाउडर डाला है इसमें तो वो फूलेगा नहीं एकदम से। तो अब मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया है पकने के लिए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 15-20 मिनट्स में ये पक जाता है। तब तक के लिए मैं लगा लूँगी इसको तड़का। मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने डाला है ऑयल, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए अब देखिए फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो गया था इसलिए मैंने गैस थोड़ा सिम कर लिया है। इसमें मैंने डाला है सरसों, मुझे ढोकले में डाला वाला सरसों बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिला लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शक्कर और इसको मिला लेंगे ताकि शक्कर थोड़ा भुन जाए। और नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको एक तरीके से अच्छे से मिला लीजिए, और आपका जो ये सिरप है वो रेडी हो जाएगा ढोकले के ऊपर डालने के लिए। तो मैंने अब इसमें पानी ऐड कर लिया। आपको जितना जूसी चाहिए उतना आप डाल सकते हैं, और आपको जितना मीठा चाहिए उतना भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा ही मीठा डाला था, पर मैंने सरसों बहुत सारा डाला क्योंकि मुझे सरसों बहुत पसंद है उसमें खाने के लिए खाना। अब मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ऑलरेडी ढोकले में आप लोगों ने नमक डाल दिया था मतलब बैटर में, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा नमक डालिएगा सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया था, और अब मैं 15 मिनट्स हो गए हैं तो ढोकला चेक करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि ढोकला पक गया है या उसे और थोड़ी देर पकाना है। तो मैंने यहाँ पर एक टूथपिक का यूज़ किया है, टूथपिक को मैंने 4 साइड्स में डिप किया है और सेंटर में भी डिप किया है। अगर आपका बैटर टूथपिक पे नहीं लग रहा है इसका मतलब आपका ढोकला पूरी तरीके से पक गया है। तो मेरा ढोकला टूथपिक पे नहीं लग रहा था इसका मतलब वो पक गया है। तो मैंने उसको थोड़ा ठंडा किया और प्लेट में शिफ्ट कर लिया। प्लेट में शिफ्ट करने के बाद मैंने उसको पीसेस में काट लिए हैं
और अब जो मैंने सिरप बनाया था अब मैं उसमें पोर कर रही हूँ। मैंने ढोकले को इसलिए पहले से काट दिया था कि जो सिरप है वो अंदर अच्छे से उसके चले जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ढोकले का कलर भी कितना प्यारा निकल के आया है, येलोइश कलर, और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का चिली और ब्लैक कलर के सरसों है वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अगर आपको बाजू में अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि रूही सोई नहीं थी तो रूही बाजू से वो भी अपना वॉइस ओवर कर ही रही है। तो मैंने जितना भी सिरप बनाया था वो पूरा इसमें डाल दिया, और आप देख सकते हैं कि मैं बराबर जहाँ से कटा हुआ है वो देख कर डाल रही हूँ, ताकि जो सिरप है वो अंदर तक चले जाए। तो बस यही है छोटा सा रेसिपी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।